नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आर्मी एंड गवर्नमेंट जॉब्स के एक फ्रेश वीडियो में। सेना मुख्यालय से 5 AR भर्तियों की तारीख घोषित हो गई है और जो 2021 की है। तो दोस्तों, पूरी भर्तियां धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। कोविड के कारण उसमें चेंजमेंट हो सकता है और हो रहा है। जैसे ही कोविड कम होगा या फिर इसका प्रभाव कम होगा तो भर्तियाँ होनी शुरू हो जाएगी। 1-1.5 साल से पूरी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, उनकी जगह पे कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है क्योंकि भर्तियाँ हुई नहीं हैं, तो रिप्लेसमेंट कोई का कोई सवाल ही नहीं है। तो अब आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है, प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है दोस्तों। कहीं भी आप लोगों को दौड़ा दो, ऐसा होना चाहिए कि कभी भी दौड़ा दो, आप लोग वहाँ पे अपने लक्ष्य को पूरा कर सको। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटे का निशान जरूर दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो जानते हैं दोस्तों पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा, उसी संदर्भ में ये लेटर जारी किया गया है। टेंटेटिव रैली शेड्यूल फॉर द RTG ईयर 2020-2021 का भर्ती का पूरा प्लान यहाँ पे बताया गया है और ई लेटर जारी किया गया है। रेफरेंस हेडक्वार्टर RTG जोन लेटर नंबर यहाँ पे दिया गया है और 14 दिसंबर 2020 को ये लेटर जारी किया गया है। सबसे पहले भर्ती की बात करें दोस्तों, तो ये भर्ती आ रही है ARO मुजफ्फरपुर की तरफ से, जो भर्ती 28 जनवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 के बीच में है। और ये जो भर्ती होगी ये होगी मुजफ्फरपुर में। इसके लिए मेडिकल जो होगा आप लोगों का 29 जनवरी से 17 फरवरी 2021 के बीच में, और इसका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों 28 मार्च से और 25 अप्रैल 2021 के बीच में एक एग्ज़ाम शेड्यूल रखा गया है। दूसरी जो भर्ती आ रही है वो आ रही है RO हेडक्वार्टर दानापुर की तरफ से, जो भर्ती है 13 फरवरी 2021 से और 27 फरवरी 2021 के बीच में। इसके लिए भी भर्ती दोस्तों मुजफ्फरपुर में होगी और इसका जो मेडिकल होगा वो होगा 18 फरवरी से 7 मार्च 2021 के बीच में, और इसका जो एग्ज़ाम होगा 25 अप्रैल 2021 से 30 मई 2021 के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। तीसरी जो भर्ती आ रही दोस्तों वो आ रही है ARO कटिहार से, जो कि 3 मार्च से और 17 मार्च के बीच में है, और ये भर्ती भी कटिहार में होगी। इसका जो मेडिकल होगा 3 अप्रैल से 22 अप्रैल 2021 के बीच में, और इसका जो एग्ज़ाम होगा 3 मई 2021 से और 27 जून 2021 के बीच में। नेक्स्ट जो भर्ती आ रही दोस्तों वो आ रही ARO रांची की तरफ से, जो भर्ती होगी 10 मार्च 2021 से और 31 मार्च 2021 के बीच में। भर्ती दोस्तों रांची में ही होगी और मेडिकल जो होगा आप लोगों का 12 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 के बीच में। इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका 25 अप्रैल 2021 से 30 मई 2021 के बीच में एग्ज़ाम का शेड्यूल रखा गया है। नेक्स्ट जो भर्ती आ रही लास्ट वो आ रही ARO गया की तरफ से, जिसका शेड्यूल रखा गया है 20 मई 2021 से और 10 अप्रैल 2021 के बीच में। भर्ती कटिहार में भी होगी और इसका मेडिकल होगा 25 अप्रैल 2021 से 14 मई 2021 के बीच में, और दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 30 मई 2021 से और 27 जून 2021 के बीच में एग्ज़ाम होगा। इसमें एक नीचे जो एक लाइन लिखी गई है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, द अबोव इज़ ए टेंटेटिव शेड्यूल, डेट्स एंड शेड्यूल आर सब्जेक्ट टू चेंज एज पर अप्रूवल एंड लोकल सीट। जो ये डेट रखी गई है ये टेंटेटिव है, इसमें आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि आजकल कोविड चल रहा है उसकी वजह से, तो जब भी होगा तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। मेरे चैनल पे मैं आप लोगों को अपलोड दे दूंगा, अपडेट करके बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा उससे संबंधित वीडियो। तो दोस्तों अपनी तैयारी को जारी रखना अभी भी, क्योंकि भर्तियाँ आनी शुरू हो गई है और एक बार यदि कोविड और थोड़ा कम हो गया या फिर एक बार शुरू हो गई भर्ती होना शुरू हो गया तो इसका प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी खाली हैं। 1-1.5 साल से जो रिटायरमेंट आ रहे हैं उनकी जगह पे कोई भी जो वैकेंसीज़ है वो फिलअप नहीं हुई है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे मत सोचिएगा कि ये मेरे जगह की भर्ती नहीं है, मैं क्यों सब्सक्राइब करूँ, क्योंकि कल आपकी ही जगह की भर्ती आएगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी डालता रहता हूँ मैं अपने चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।